पेरेंट का इकट्ठे करते अलग 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 यस रिवाइज हो जाए पहले कर लो रिवाइज करवा ओके ओके इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ठीक है इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हैज एपिथेलियल सेल राइट और रॉन्ग एपिथेलियल सेल क्यों इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज एपिथेलियल सेल वेयर आर द एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स कहां है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियल उसका क्या वर्ड लिखवाया था एपिथेलियल का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज ठीक है इंटेस्टाइन उसकी इंटरनल वॉल किसकी होगी एपिथेलियल मतलब स्किन के रिगार्डिंग हमने एपिथेलियल स्किन के साथ भी करा था दैट इज स्ट्राइटेड एपिथेलियल एक स्क्वैमस एपिथेलियल एक हमने करा था स्ट्राइटेड एपिथेलियल दैट इज फॉर द स्किन ठीक है फंक्शन क्या था एपिथेलियल का दैट इज द मेन फंक्शन दैट इज द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब जहां पे भी कोई चीज एब्जॉर्ब करने की बारी आ गई दैट मींस वहां पे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट ठीक है तो इंटेस्टाइन में नेचुरली सारा वो एब्जॉर्ब कर रहा है विच टिश्यूज आर प्रेजेंट एपिथेलियल If not further described, मतलब further उस पर divide नहीं करा, sub parts की बात नहीं कर रहे, epithelial, ठीक है, ciliated में मैंने बोला था किसी चीज को push करना, जहां भी किसी चीज को move करना है वहां cilia present हो, ठीक है, जहां secretions बाहर आनी है, oil निकल रहा है, skin oily है, that is the glandular, ठीक है, अब यहाँ पे है ये assertion reason वाला पूछ गया मैंने चलो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल हैज द एपिथेलियल सेल ट्रू है रीजन वो कह रहा है कोलुमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन पहले मुझे एक बार कौन रिवाइज करवाएगा एक बार कोलुमनर सिलिएटेड क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एंड स्क्वैमस स्क्वैमस कोलुमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडल अब पहले एक बार इनको रिवाइज करो कोल्यूमिनर क्या है हमारे पास स्क्वैमस क्या है कहां प्रेजेंट है स्क्वैमस बुक दो हम अपने रीजन क्या बोल रहे हैं कोल्यूमिनर एपिथेलियल कोल्यूमिनर एपिथेलियल फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ना भी कोल्यूमिनर वर्ड दिया होता अगर सिंपली भी कह रहे थे या यहां पे कंफ्यूज करने के लिए कोल्यूमिनर की जगह पे दे राइटिंग क्यूबॉइडल वहां ये देखना पड़ना इंटेस्टाइन में कोल्यूमिनर प्रेजेंट ठीक है यहां पे देखो चलो मैं आपकी बुक से ही आपको करवाता हूं ठीक है ब्लड एंड डैश आर बोथ एग्जांपल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी ब्लड एंड डैश आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी मसल्स ज्वाइंट्स बोन्स बोन्स को आएगा मसल्स मसल्स मेन वर्ड आएगा ब्लड एंड द मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी लिम्फेटिक टिश्यू लिख सकते हैं आ सकते हैं ओके द कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी द कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू या कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ एंड प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज डैश आइडेंटिफाइड एपिथेलियम जहां पे कवरिंग आ गया माने कवरिंग प्रोटेक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ये चार वर्ड किसको हम कर रहे हैं इनफर कर रहे हैं एपिथेलियल वर्ड ये चार वर्ड हम किसको कर रहे हैं इनफर एपिथेलियल कवरिंग प्रोटेक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन epithelial tissue facilitates या epithelial tissue helps
ऑप्शंस हैं प्रोटेक्शन, हेल्पिंग सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकंड ऑप्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड इज हेल्प्स इन द एक्ट एज अ बैरियर एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीस. दैट मींस एक और फंक्शन क्या करा हमने यहां पे, एक्ट एज अ बैरियर. प्रोटेक्शन तो मैंने अभी आपको पहले लिखवाया, ठीक है, कवरिंग प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन हो गई ना, प्रोटेक्शन वर्ड आ गया. एक मैंने और वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया, बैरियर. बैरियर मतलब इट विल स्टॉप, लाइक उसको मना करेगा, एक्ट एज अ बैरियर कि कौन सी चीजें अंदर जाएंगी और कौन सी बाहर आएंगी. स्किन ऑफ द, ना लिखो नहीं सुन, स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. चलो यहाँ लिखो एक बार जो आपकी बुक में है, लिखो ऐसे पॉइंट वो बुलेट्स डाल के लिखो. Skin, lining of mouth, lining of blood vessel, lung alveoli. Okay, एक बार सारा रिवाइज कर देते हैं ना. Kidney tubules, skin, mouth, lining of mouth, lining of blood vessel, lung alveoli, kidney tubules. इन सबको चाहे एक सर्कल लगा के लिख लो, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम. अब हम यहाँ पे, मैं आपकी बुक के थ्रू रिवाइज करवा रही हूँ, नोट इट डाउन, दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम. हाँ जी, ठीक है जी. हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हु विल एक्सप्लेन. Square shape, flattened, small in shape, or with the basement. Basement में क्या present है हमारे पास? Blood vessels. और इसकी structure में क्या है? These are loosely packed or tightly packed? Tightly packed. ठीक है? Tightly packed. Word एक और आ गया आपके पास? ठीक है? मैं आपकी book में से ही बोल रही हूँ. वहीं से questions की form change कर देंगे. Flattened हमने करे थे, square shape करा था, right? Cementing here present है, and एक और point यहाँ पे क्या हो गया? They are tightly packed. तो option में loosely देखे ना, ask क्यों loosely? तो loosely हमारा answer नहीं है. Tightly packed, continuous sheet तो हमें करी पता ही है. Intercellular spaces are present or not? No. Yeah. Tightly packed. Very nice. वो तो हमने पहले ही तभी बोला कि एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर, दैट्स व्हाई. ठीक है, परमेबिलिटी, ये भी लिखना तो लिख ले दो, परमेबिलिटी ऑफ द वेरियस, इसमें परमेबिलिटी को जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, परमेबिलिटी ऑफ सेल्स वेरियस एपिथेलिया, ये भी मतलब परमेबिलिटी भी इसका मेन एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया, चीजों को अलाउ करना कि इधर से उधर जाने में, परमेबिलिटी वर्ड भी है यहाँ. Then, how epithelial tissues, epithelial means usually separated, separate कैसे होते हैं, with the help of what? Epithelial tissues are separated from underlying tissue. उनको सेपरेट करना, एपिथेलियम को कौन चीज उसको सेपरेट करती है, ठीक है, अंडरलाइन टिश्यू. ठीक है बेटे, ओके है. स्क्वैमस का मीनिंग क्या है? और व्हाट इज गिवन इन स्केल ऑफ द स्किन, नोट करो जिन्होंने करना है. स्क्वैमस मीन स्केल ऑफ द स्किन. अब पेपर के टाइम पे या रिवाइज करने के टाइम पे इसको एक बार खोल लेना इस पेज को. स्क्वैमस दैट इज स्केल, स्केल ऑफ स्किन.
वहां पे ऑप्शन गलत हो सकती है, स्केल ऑफ कुछ भी हो जाए, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई स्क्वैमस बी स्केल ऑफ स्किन. कुछ भी लिख सकते हैं, नो नो टेंशन इज देयर. एपिथेलियम वी कैन राइट, एपिथेलियल वी कैन राइट, बोथ वी कैन राइट. क्यूबॉइडल, सॉरी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हो गया हमारा. ओके, इसोफेगस अगला लिखो, इसोफेगस लाइनिंग ऑफ द माउथ. ये दो चीजों में अब और क्या करते हैं, कौन सा एपिथेलियम तो हो गया, बट इस हमने उसमें क्या खराब किया है, पक्का स्क्वैमस इसोफेगस लाइनिंग वाला तो हमने पहले लिख लिया था, इसोफेगस ऐड करो. स्ट्रेटिफाइड मींस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मींस व्हेन इट इज अरेंज इन द लेयर्स. पिलर कहां से आता, अरेंज इन लेयर्स, जब दो तीन चार लेयर्स इकट्ठी हो जाती है देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. टिश्यूज की फाइल्स जो बन जाती है उसको, हां जी उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड. किसकी लेयर्स, स्क्वैमस एपिथेलियम. मैं एग्जांपल स्किन स्किन, इसका एग्जांपल स्किन एंड इसोफेगस दोनों आ जाता है इसमें भी. चलिए नेक्स्ट इज पिलर लाइक को क्या बोलते हैं, आप बोल. पिलर लाइक का कॉल्ड क्या, उसके स्ट्रक्चर है कॉलम शेप, कॉलमनर से कॉलम शेप, और एक वर्ड एक एक सेंटेंस ही आया था, मच टॉलर एज वाइडर, मच टॉलर एज वाइडर, जितने लंबे हैं उतने ही वाइड हैं. ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है इसका, नियर टू द बेस, इलोंगेटेड. दो फीचर्स इसके और हो गए, कॉलमनर में हमारे पास कौन सा है, कॉलम शेप है हमारे पास, दीज आर मच लॉन्गर एज एज वाइडर, जितने चौड़े उतने लंबे. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द बेस एंड न्यूक्लियस आर इलोंगेटेड. ठीक है, इन एनी केस डायग्राम में आ जाए तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि क्यों जिसका न्यूक्लियस नीचे है वो हमारे पास कॉलमनर है. ठीक है जी, क्लियर. तो कॉलमनर का मीनिंग क्या हो गया, पिलर लाइन. ठीक है, कॉलम शेप पिलर लाइन क्या करते हैं, बट इज द फंक्शन वो मेन हो गया, स्पेशली अब कॉलमनर और क्या करेंगे, फैसिलिटेट्स द मूवमेंट. जो कॉलमनर है दे विल हेल्प इन द मूवमेंट, फैसिलिटेट्स द मूवमेंट. अब तो है ये, यहां पे लिखो लिखो फैसिलिटेट्स द मूवमेंट एंड बैरियर, एपिथेलियल बैरियर, बैरियर कहाँ प्रेजेंट है, मूवमेंट कहाँ करते हो आप अपनी बॉडी में, मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है, किस चीज की, अंदर की तरफ. मूवमेंट, हम सांस ले रहे हैं, अंदर जा रही है, मूवमेंट हो रही है, सो वेयर इट इज प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. कॉलमनर का मीनिंग लिखवाया मूवमेंट. मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो दैट मींस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, कॉलमनर टिश्यू आल्सो हैज, अगर उसमें सिलिया बना दिया तो, अगर इट इज हैविंग सिलिया देन दी सेल्स आर कॉल्ड और टिश्यूज आर कॉल्ड राइट. हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, वेरी नाइस बेटा. वो भी है लेकिन हम फिंगर लाइक इस तरह से इसको नहीं करेंगे. बट इज क्यूबॉइडल के क्या स्ट्रक्चर थे, क्यूब शेप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है,
लाइनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड किडनी ट्यूब्यूल एंड ग्लैंड्स में और फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में और भी एक चीज प्रेजेंट होती है सिलिएटेड होता है क्यूबॉइडल होता है उसको करेक्ट कर रही हूँ जिसने बोला है कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड होता है फैलोपियन ट्यूब में एग्स को क्या करना है वो मूव हाउ इट विल मूव सिलिएटेड फैलोपियन ट्यूब किडनी ट्यूब्यूल्स में तो वो है क्यूबॉइडल किडनी ट्यूब्यूल्स लाइबरी ग्लैंड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये वहां पे लाइनिंग तो है ही है ना वो तो मेन ही फंक्शन है डायग्राम्स याद है टिश्यू कौन सा है सिलिएटेड अब इसमें ये क्या है सिलिया व्हाट इज दिस बेस ग्रेन्यूल व्हाट इज दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है अगर यहाँ पे ऐसे कुछ होगा तो ये क्या है ब्लड वेसल अब अगर व्हाट इज दिस ग्लैंडुलर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है म्यूकस ये खुद क्या है ये ग्लैंड ग्लैंड इसके बीच में म्यूकस एंड जहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं ग्लैंड गॉबलेट गॉबलेट्स है क्लियर समझ आ गया ग्लैंड्स दे हेल्प इन द सीक्रेशन ऑयल्स वगैरह जैसे सीबेशियस ग्लैंड्स हमारे ठीक है दे रिलीज द ऑयल्स और द सीक्रेशन जो उसके अंदर है दैट इज म्यूकस जहां पे वो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल राइट बाकी मैंने अभी आपको सारी लेबलिंग उसकी बता दी सिलिया बेसल ग्रेन्यूल्स या बेस ग्रेन्यूल ब्लड वेसल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस दे आर प्रेजेंट एट द नियर टू द बेस इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है बस और बाकी वो तो सेम एपिकॉइडल वाला कोल्यूमिनर ये नहीं है सिलिएटेड वाला ठीक है ये सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेम बस डिफरेंस इज दिस फिंगर लाइक ये न्यू ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट बस फिंगर लाइक सिलिया हां बच्चा वन क्वेश्चन इज डन एपिथेलियल दीस आर टाइटली पैक्ड connective tissues are tightly or loosely कैसे adipose or alveolar loosely packed la baaki tightly